नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के गांव ऊंचानी में, जहां पर एक कमरे के बाहर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर अभी एक 28 साल की महिला, जिसका नाम पारुल बताया जा रहा है, उसने आत्महत्या कर ली है। फांसी के फंदे पर वो लटक चुकी हैं और अंदर इस कमरे के अंदर है। हालांकि कमरे का दरवाज़ा अभी फिलहाल आप देख सकते हैं बंद कर दिया गया है। डायल 112 की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। परिवार वाले लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सबसे बड़ी जानकारी है कि पारुल की शादी करनाल में ही हुई थी। मार पीट कर उसको उसके ससुराल वालों ने लगभग 2 महीने पहले घर से निकाल दिया था, करनाल से निकाल दिया था, जिसके बाद वो अपने मायके में रह रही थी। और इस वक्त हम पारुल के मायके में ही खड़े हुए हैं। पारुल के परिवार वालों से एक बार पूरी बातचीत कर लेते हैं कि ये क्या पूरा मामला रहा और आखिर क्यों पारुल ने ऐसा किया। क्या नाम है सर आपका? मदन लाल जी। कौन है आपकी जिन्होंने फांसी लगाई? मेरी लड़की है। क्यों ऐसा? घर वालों ने परेशान कर रखी थी, सास ससुर ने, ससुराल वालों ने। कहां हुई थी शादी? करनाल है जी, गिरडा पीर पे जी, न्यू बादर चंद कॉलोनी। क्या नाम है पति का? पति का नाम रविंदर कुमार। आपने कभी शिकायत नहीं दी उसके खिलाफ? बस हम समाज के उससे शरीफ आदमी, हमने ऐसा काम नहीं करा। मार पिटाई करते थे और दहेज वगैरह मांगा थे, उसका रिकॉर्ड हमारे पास 2017 में। ये मारने पीटने की तस्वीर है। ये मारपीट हुई थी, कब हुई थी मारपीट? 16/2022। आप कौन लगते हैं? उसका भाई है, छोटा। छोटे भाई हैं आप? तो यहीं रह रही थी वो 2 महीने? हाँ, 2 महीने पास ही रह रही थी। बच्चे वगैरह भी हैं? एक लड़का है 3.5 साल का। बच्चा कहाँ है? बच्चा दिया नहीं उन्होंने, कुत्तों ने दिया नहीं, वही है करनाल में। इसी टेंशन में थी ये छोटी लड़की, परेशान चल रही थी, टेंशन में थी। कब उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? ये मैम 12 और 3 बजे की बात है। मैं और मेरे पिताजी मार्केट में गए हुए थे। हमने देखा, चलो मतलब जाने से पहले खाना पीना कह रहे थे, खा लो। कह रही मैं नहीं खा रही, मेरे को भूख नहीं, मेरे को अकेला छोड़ दिया। हमने अकेला छोड़ दिया, फिर हम मार्केट में चले गए। आके देखा, चलो आप पूछ लेते हैं खाना पीना खाएगी नहीं। फिर देखा मैंने कुंडी तोड़ दी, देखा फिर लटकी हुई मिली थी इसी कमरे में अंदर। कैसे, कहाँ लटकी है? पंखे पर लटकी हुई है, पंखे पर लटकी हुई है पारुल की। मैं चाहूंगी आप फिर से एक बार तस्वीर दिखा दें अपने आप में। एक बड़ा मामला देखिए। बहुत बार हम ऐसे मामले सुनते हैं कि महिलाओं को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन उसी प्रताड़ना के चलते एक और महिला ने फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। ये पारुल की तस्वीरें, जो मारपीट उसके साथ हुई थी। और परिवार वाले, मायके वाले आरोप लगा रहे हैं कि ससुराल वाले क्योंकि मारते पीटते थे, लगभग 3.5 साल का बच्चा है, 3.5 साल का बच्चा जो अपने दादा दादी के पास रह रहा था, अपने दाद के रह रहा था, और वहीं पर वो बच्चा है। तो पारुल काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि बच्चा भी उसके साथ नहीं था। जानबूझ कर दिया, उनका कोर्ट में दूंगा मैं, विद दिल्ली भाई कोर्ट में चलेंगे तेरे साथ। डिमांड क्या करते थे, दहेज में क्या मांगते थे? पैसे और क्या चीज मांगेगा? पैसे मांगेंगे? आपने पहले कभी दिए भी? दे रखे पैसे। ऑन रिकॉर्ड है, बैंक का प्रूफ। आपने लगभग 10-12 लाख आपने दिए? सट्टेबाज है उसका हस्बैंड, उसका रिकॉर्ड है मेरे पास, उसकी वो देता हूँ मैं आपको। 2017 से जब से शादी हुई आप 12 लाख दे चुके हो? हाँ जी। 2017 से पहले है ये? मुंह से मांगते थे अपना कि पैसा दो लड़की को तंग करते थे। और घर की जो मेरी लड़की के गहने थे ना, वो भी सारे वो गिरवी रखा, उसके पैसा भी। ससुराल में कौन कौन है? सास है, लड़का है, उसका बाप है। सास का नाम लीला देवी। लीला देवी, हाँ लिखो इसमें। वो टॉर्चर सभी तंग करते थे, सभी की मिली भगत, सभी मिली भगत। ये देखिए मैम, ये रही उसकी, ये देख लीजिए। 8 साल में 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए के करीब। अब तो मेरे पास पैसे नहीं है। ये सट्टा खेलने के लिए। तीनों का नाम लीला देवी, तो उसका नाम सास का, ससुर का नाम है नरेश कुमार। सास भी तंग करती थी वो तो? सास अपनी लड़की से बात करके, वो उसकी लड़की उसको भरती थी, फिर उससे लड़ाई करती थी, मारपीट भी करती थी। और एक महिला के साथ ऐसे और कौन करेगा? महिला ने तंग करेगी और कुछ ना करेगा? ससुर भी नरेश भी पैसे मिलते थे। वैसे दामाद काम क्या करता था जब आपने? वो मारे को बोला गया था भी ये बीटेक किया है इन्होंने, जबकि ये सिर्फ प्लस टू ही पास है।
बाद में पता लगा, बाद में पता लगा। और अपने आप में एक हैरानी वाली बात देखिए कि पारुल काफी ज्यादा परेशान चल रही थी, पारुल परेशान चल रही थी और आज उसने अपनी जिंदगी को खत्म करना सही समझा, क्योंकि वो अपने जीवन के संघर्ष से और जूझ नहीं पा रही थी। हमारे साथ डायल 112 की टीम हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी हैं। सर, क्या आपको जानकारी मिली जिसके बाद गांव ऊंचानी में आप पहुंचे? हाँ जी, आरवी पे इवेंट आया था और इवेंट पे हम पहुंचे हैं तो मौके पे पता लगे भाई लड़की ने इनकी फांसी ले ली है, तो मौके पे आए हैं। अब देखते हैं तस्दीक करेंगे क्या बात हुई, कैसे। क्या नाम है सर और क्या उम्र है फांसी लगाने के? नाम का नहीं पता जी और ना उम्र का पता है, वो तो बाहर उतारेंगे उसको निकालेंगे तब देखेंगे। आपने देखा है सर अंदर? नहीं, वैसे दूर से। सदर थाने को सर सूचना दे दी गई है? हाँ, सदर थाने को सूचना। एफएसएल की टीमें भी आ रही हैं? एफएसएल की भी आ रही है। तो बात हो चुकी है, एफएसएल की टीमें भी कुछ ही देर में मौके पर पहुंचेगी। नीचे क्योंकि हम इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पर हैं, नीचे की अगर मैं बात करूं तो महिलाएं वहां पर विलाप कर रही हैं, महिलाएं रोती हुई नजर आ रही हैं। और ये वो कमरा है जिस कमरे में आज बताया जा रहा है कि आज उसने खाना खाने से मना कर दिया। ये पारुल की तस्वीरें देखिए, साल 2017 में पारुल ने बड़ी खुशी खुशी शादी की थी, बड़ी खुशी खुशी राजेंद्र नाम के व्यक्ति से शादी की थी, रविंदर नाम के व्यक्ति से शादी की थी। धोखाधड़ी में ये शादी की गई, बताया कुछ और गया कि रविंदर ने सिविल इंजीनियर है यानी कि बीटेक की हुई है, लेकिन बाद में पता लगता है कि रविंदर सिर्फ प्लस टू पास है। अपने आप में परिवार वालों के साथ भी धोखा हुआ। हम लगातार इस बात के पर बात करते हैं कि दहेज देना दहेज लेना दोनों अपराध हैं, किसी का भी साथ मत दीजिए। लेकिन दहेज के चलते आज फिर एक महिला कहां आप खड़ी है, आप यहां पर समझ कर देखिए। एफएसएल की टीमें कुछ ही देर में मौके पर पहुंच जाएंगी। आसपास के तमाम लोग आप देख सकते हैं यहां पर खड़े हुए हैं। परिवार में पारुल के भाई हैं, पारुल के पिता हैं जिनसे हमारी बात हुई और हर कोई काफी ज्यादा परेशान है। आप कौन लगते हैं पारुल के? उसको ब्रदर का दोस्त हूं जी। हाँ जी, कुछ सोचिए। मेरे तो जैसे घर में उठ बैठ होते जी ऐसे इनके साथ, मतलब ये ब्रदर ही मानते थे मेरे को भी। तो भी जैसे अब हम बैठते थे इकट्ठे बैठ जाते थे हमारे साथ शाम के टाइम, कभी ना कभी बैठते थे हम तो इकट्ठे बैठ जाते थे। तो चलो हम फिर भी इसको समझा देते थे, चल कोई बात नहीं, बातें होती जाती रहती है। चलो फिर भी बोल देती थी, चलो भाई कोई बात नहीं, चल देख जो मन बोझे हो जाए। पर आज इसको पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं। दो ढाई महीने पहले ससुराल से यहाँ आई थी अपने मायके में, रोती थी, बच्चे को याद करती थी, वीडियो कॉल करती होगी? वो करती थी, बिल्कुल करती थी जी, ये बात भी करती थी। तो मेरे तो वैसे मैं तो शाम के टाइम कभी कभार आता था, क्योंकि इतना मेरा भी काम चला रहा था जी, मैं आ नहीं पाता था। तो मैं भी एक दो दिन पहले आया था, तो उस टाइम तो यही थी, तो मेरे को मिली नहीं थी। मैं ऊपर से ऊपर ही मतलब जहाँ से चले गया था, क्योंकि उसके बड़े भाई के साथ बैठता था ज़्यादा, मैं वो था नहीं, वो गया था कहीं पर। तो फिर आज पता लगा, भाई का फ़ोन आया, भाई ऐसे ऐसे करके बात हो गई। मैं तो अपना सारा काम धंधा छोड़ कर दम आया, मैं कहा कि यार ऐसा कैसे हो गया। तो परिवार वालों ने जो आखिरी बार प्रताड़ित किया, आखिरी बार पारुल जब यहाँ पर पहुंची तब भी कोई डिमांड थी, तब भी कोई पैसे की मांग रखी गई थी? उसके ब्रदर को पता होगा जी, क्योंकि कोई पैसे की मांग रखी गई थी जिसके बाद पारुल यहाँ पर आई थी? मारपीट करी थी, लगातार मारपीट की जाती थी। हाँ जी, लगातार मारपीट की। खुद वो छोड़कर गए थे आप लोग पारुल को लेकर? उन्होंने मार के उसको घर से बाहर निकाल दिया, हमारे पास कॉल आई थी। बाहर से लेकर आया? हाँ जी, बाहर से लेकर आया। कंप्लेंट की थी? हमने कुछ नहीं कंप्लेंट की, हमने मैम उनको टाइम दे, कोई बात नहीं सुधर जाएंगे, बट नहीं मैम। इंतजार था पारुल को कब स्थिति बेहतर होगी, कब मैं वापस जाऊंगी? हाँ जी, तो इंतजार था पारुल को कि कब स्थिति बेहतर होगी, कब मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी, कब अपने बच्चे से एक बार फिर से गले लगाकर मिलूंगी। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल के गांव ऊंचानी से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।